और अब खबरें विस्तार से। दुक्सलाई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक स्क्रैप व्यवसायी की हत्या की योजना का मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड का नाम उपेंद्र कुमार है। गम्हरिया निवासी स्क्रैप व्यवसायी देबू की हत्या की योजना बनाने का आरोप इस पर है। इसका खुलासा पिछले दिनों बागबेड़ा से हथियार के साथ पकड़ाए तीन युवकों के फर्द बयान से हुआ है। उपेंद्र प्रसाद को फिलहाल जेल भेज दिया गया है, उसे फिर पुलिस रिमांड पर लेगी। जुगसलाई पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली थी। उपेंद्र प्रसाद उर्फ गूगल नाम का एक व्यक्ति जो नया बस्ती बागबेड़ा का रहने वाला है, अपने इसके तीन अन्य सहयोगी जो थे, जो 23 तारीख को राखर मैदान में एक स्क्रैप व्यवसायी के साथ ये उपेंद्र प्रसाद मिल करके उसकी हत्या की योजना बना रहा था, तो उसमें पूर्व में इसके तीन सहयोगी परमजीत सिंह, एन मुरली और विकास, इन तीनों की गिरफ्तारी दो हथियारों के साथ हो चुकी है। ये उपेंद्र प्रसाद भाग गया था, फिरार हो गया था उस वक्त। इसे कल जुगसलाई पुलिस ने टीम गठित करके इसे कल डीबी रोड ग्रामीण बैंक के पास से इसे गिरफ्तार किया। अभी वंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन आरक्षित सीट पर किया जाने की मांग को लेकर अभिभावक संघ द्वारा एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया है। 2.5 वर्ष के बच्चों को कम उम्र बताकर नामांकन नहीं लिया जा रहा है, जबकि अगले वर्ष जब वे 3.5 वर्ष के हो जाएंगे तो ओवर एज बोलकर उनका दाखिला नहीं लिया जाएगा। ये कहना है जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार का। है वो 2.5 से 3.5 साल है, और इस उम्र कमजोर वर्ग के ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे की उम्र सीमा 2.5 साल से 2 साल 8 महीने है, वे जब RTA सेल में नामांकन फॉर्म अपने बच्चे का लेने जा रहे हैं तो RTA सेल द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चे की उम्र काफ़ी कम है, 3 वर्ष का हो जाएगा तो आप फॉर्म लेने आएगा। अब 3 वर्ष के होने की स्थिति में इस साल तो उनका नामांकन नहीं होगा, ये वंचित रह जाएंगे, और अगले नए सत्र में जो है उनका जो उम्र सीमा है 3.5 साल से ऊपर हो जाएगा तो बच्चे कहीं के नहीं रह जाएंगे। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय से मांग करने आए हैं कि उनके माध्यम से इस समस्या का निराकरण किया जाए और आदेश दिया जाए कि कम से कम इन अभिभावकों को फॉर्म दिया जाए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा में चर्चा के दौरान प्रश्न पूछने वालों छात्रों में शहर के 2 छात्रों को भी शामिल किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन 29 जनवरी को होना है, जिसका नाम रखा गया है परीक्षा पर चर्चा। इस तनाव भरे जीवन में बच्चे किस तरह परीक्षा के तनाव से दूर रह सकते हैं, उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास कैसे हो, इस पर चर्चा के लिए 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं देश भर के बच्चों से रूबरू होंगे। जमशेदपुर केंद्रीय विद्यालय की 10वीं की छात्रा इशिका साहू का नाम चयन किया गया है। जब मेरी कंसर्न टीचर ने मुझे बताया तो फिर मैम ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करो, तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया। फिर एक क्वेश्चन, एक सवाल पूछा जिसे मैं वाकई में पूछना चाहती थी, और ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वे इसका जवाब देंगी। वहीं SKPS स्कूल के 9वीं कक्षा का छात्र आयुष झा ने कहा कि उसे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पुट अप किया था, मेरा क्वेश्चन था कि आपको स्टूडेंट से क्या आशा रखते हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी, तो मुझे क्वेश्चन पूछने से बहुत खुशी हो रही है। चाहता हूँ कि अन्य छात्र मेरे जैसे प्राइम मिनिस्टर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण को दूर रखने के लिए अब स्कूली बच्चों ने कमर कस लिया है। पोटका के टंगराइन स्कूल के बच्चों ने ऑर्गेनिक खेती आरंभ की है। ये नजारा किसी बड़े खेत खलियान का नहीं, बल्कि पोटका क्षेत्र अंतर्गत एक मध्य विद्यालय का है, जहां खुद स्कूली बच्चों द्वारा खेती की जा रही है। ये खेती खास इसलिए है क्योंकि पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, पूरे ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ सब्जियां उगाए जा रहे हैं। इस खेत का नामकरण पोषण वाटिका के तौर पर किया गया है। इन सब्जियों का उपयोग बच्चे अपने घरों और स्कूलों में करते हैं, जो पूरी तरह से कीटनाशक या किसी भी दवा के छिड़काव से मुक्त है। कि सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की समस्या। पानी की समस्या के कारण लोग खेती नहीं करते हैं। मैं इन बच्चों के माध्यम से लोगों को, इनके अभिभावकों को और बच्चों को भी ये प्रेरित करना चाहता हूँ कि कम पानी में भी खेती की जा सकती है, बस थोड़ा सा आधुनिक तरीका अपनाना होगा। और हम लोग जैसे पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया, न्यूट्रिशन हीरोज़ का निर्माण किया है, बच्चों को बनाया है, उसका यही है कि जो बेकार जो पानी है उसका भी उपयोग करके वे अपने घरों में छोटे छोटे
पोषण वाटिका बना सकते हैं और उन पोषण वाटिकाओं से उनके पोषण की पूर्ति हो जाती है। हम लोग उनके आदतों में, खाने की आदतों में भी परिवर्तन करना चाहते हैं, ताकि पहले क्या था कि ये लोग केवल चावल खाते थे, दाल और सब्जी की मात्रा कम होती थी, तो हमने उन्हें बताया कि ये संपूर्ण आहार नहीं है और तिरंगा भोजन के कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने कहा कि आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। जुगसलाई आरबी पटेल स्कूल के पुराने भवन को शिक्षा विभाग द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है, जहां ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरते जाने के कारण स्थानीय लोगों ने काम को रुकवा दिया है। आरपी पटेल स्कूल का पुराना भवन जर्जर हो चुका है, जिसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन ध्वस्त करने में ठेकेदार द्वारा बरती जा रही लापरवाही की वजह से स्थानीय लोगों ने कार्य को रुकवा दिया है। इसमें दो दिन से जो जर्जर भवन है हमारे राइट साइड में, उसको तोड़ा जा रहा है और ये बिना निविदा का तोड़ा जा रहा है। और यहाँ का प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार पांडे जी ये मनमर्जी से इसको तोड़ रहे हैं, अपना देख रेख में, ना कोई ठेकेदार है ना कोई कुछ नहीं है, अपना मनमर्जी से तोड़ रहे हैं। हम लोग ये दिक्कत है, एक तो यहाँ जो टूट रहा है तो मतलब उत्तर साइड में मतलब गिरा सबका घर आवास है, रोड है, रोड से बिल्कुल सटा हुआ रोड है, तो कोई भी बच्चा कोई भी जाएगा जमात में, किसी को चोट लगेगा तो कोई हादसा हो सकता है। बिहार के प्रख्यात नेता आनंद मोहन पिछले 12 वर्षों से जेल में है। सोमवार को उनके समर्थकों ने उनकी रिहाई की मांग उठाते हुए राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा है। उनका नेतृत्व अरुण कुमार कर रहे थे। आनंद मोहन जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आनंद मोहन जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। प्रिंस ऑफ आनंद जिंदाबाद। ऐसा है कि श्री आनंद मोहन जी जो बिहार के एक जाने माने जनप्रिय नेता हैं और बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व जिनका रहा है, जिन्होंने बिहार की राजनीति में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और बिहार की राजनीति की धारा को बदलने का भी काम किया है, ऐसा व्यक्ति आज एक झूठे आरोपित केस में पिछले 14 वर्षों से वो जेल में, उनकी सजा पूरी होने के बावजूद भी बिहार सरकार की अनुशंसा न होने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो पाई।